हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल रोजगार विद शालिनी में। आज मैं आप लोगों के लिए सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि आप सभी लोग जो लोग भी बीटीसी किए हैं वो लोग केवीएस इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसमें सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और एनसीईआरटी की जो बुक है आपकी 1 to 5 वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। और सबसे ज्यादा जो मार्क्स दिलाएगा वो होगा आपका डेमो और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपके इंटरनल नॉलेज को चेक करते हैं कि आप अपने दिमाग से एक सिचुएशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे वहां पे किस तरीके से उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, क्योंकि ये जो चीज है ये आपके डेमो प्लस सिचुएशन दोनों को कनेक्ट करता है। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी इससे बनते हैं और आपके चैप्टर्स भी इसी से रिलेट करते हैं। जैसे सपोज करें कि आपको किसी भी एक टॉपिक को, सपोज करें कि वाटर को दिया गया है और उस वाटर टॉपिक को आपको इंग्लिश में भी दिया हुआ है वाटर, हिंदी में भी दिया हुआ है पानी और आपके ईवीएस में भी दिया हुआ है टॉपिक वाटर, तो आप तीनों को तीन सब्जेक्ट में अलग अलग कैसे पढ़ाएंगे, ये आपके लिए टास्क हो सकता है। और आपके लिए ये टॉपिक भी हो सकता है डेमो के लिए कि आपको वाटर इंग्लिश में भी पढ़ाना है, आपको पानी हिंदी में भी पढ़ाना है और उसी पानी को जो कि वाटर चैप्टर करके आएगा आपके ईवीएस में उसमें भी पढ़ाना है। तो बताइए कि आप लोग कैसे कैसे उसको अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे। ये तो रहा आपका क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ताजमहल के बारे में इंग्लिश, हिंदी और ईवीएस तीनों में पढ़ाना है तो क्या आपके पढ़ाने का तरीका एक ही जैसा रहेगा। सेम सिचुएशन है आपके पास कि अगर आपके पास वाटर टॉपिक है, आपके पास एयर टॉपिक है, आपके पास ताजमहल टॉपिक है या फिर कोई भी स्टोरेड बिल्डिंग है, कुछ भी है, तो और अगर वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में दिया हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है, ईवीएस में भी दिया हुआ है, तो आप कैसे पढ़ाएंगे। इसी तरीके से आपको किसी भी अदर एग्जांपल को लेके आपको आर्ट सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया जा सकता है, आपके मैथ सब्जेक्ट को भी इंक्लूड किया जाता है। तो आप लोग इसको कैसे अलग अलग सिचुएशंस में बताएंगे, अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि अगर आप लोग को वाटर पढ़ाना है तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स में तो आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, अगर आपको ताजमहल के बारे में बताना है तो फिर आप किस तरीके से बताएंगे, तीनों में अलग अलग तरीके चाहिए होंगे। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में वाटर पे तो बनाया हुआ है, आज मैं आपको बताऊंगी कि ताजमहल पे आप लोग कैसे अलग अलग तरीके से तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स में पढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में क्या होता है कि जनरली स्टोरी आती है, ठीक है, उसके बारे में बताया जाता है या फिर उससे रिलेटेड कुछ हिस्ट्री को वहां पे बता दिया जाता है कि ताजमहल को किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था, कितने लोग लगे थे, क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे, तो एक उसके पीछे की स्टोरी बना सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश में ये हो गया। हिंदी में भी यही चीज आती है कि हम ताजमहल की कहानी पढ़ लेते हैं कि आखिर ताजमहल किसने बनवाया था या फिर ताजमहल से रिलेटेड कोई स्टोरी बना देते हैं कि तीन लोग थे, चार लोग थे, ऐसे करके कि कोई ताजमहल से रिलेटेड हम लोग स्टोरी बना सकते हैं, उसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अपने इंग्लिश और हिंदी के सब्जेक्ट्स में, ठीक है, ऐसे हम लोग के चैप्टर्स बनते हैं इंग्लिश और हिंदी में। लेकिन अगर यही ताजमहल चैप्टर हम लोग के ईवीएस में आ गया तो फिर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। अब देखिए ईवीएस है क्या, इन्वायरमेंट है ना, तो ताजमहल के आसपास की सराउंडिंग एरिया कैसी है, उसके किनारे कौन सी नदी फ्लो करती है ना, वो किससे बना हुआ है, ठीक है, उस पर क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं, वो उसका कलर पहले कैसा था, अब उसका कलर क्यों डल हो गया है, उसका कलर चेंज किस वजह से हो रहा है, अब किस वजह से हो रहा है, हम लोग का पोल्यूशन है ना, तो उसमें हम लोग पोल्यूशन टॉपिक को भी इंक्लूड कर सकते हैं, हम लोग एसिड रेन को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, जो मथुरा में कारखाना बना हुआ है हम लोग उसकी भी इफेक्ट्स को उस पर, में जो भी रिफाइनरीज है, जो भी इंडस्ट्रीज है जो उस पर इफेक्ट डाल रही है, ऑयल रिफाइनरीज, ये सब कुछ के बारे में आप बता सकते हैं, कौन सा पोल्यूशन होता है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाता है हम लोग के इन्वायरमेंट में तो कैसे चेंज हो रहा है हम लोग का मार्बल का कलर, ये सब कुछ आप बता सकते हैं। अब ये सब कुछ पोल्यूशन हो रहा है तो हम लोग पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम लोगों को करना चाहिए जिससे पोल्यूशन कंट्रोल रहे, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग इन्वायरमेंट में डिस्कस कर सकते हैं। अब ये चीजें मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पिछले इंटरव्यूज में और आपसे भी पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि आप लोगों के पास ऐसा चांस मिला हुआ है, क्योंकि इसमें बीएड वाले तो कंपटीशन में है नहीं, सिर्फ बच गए बीटीसी वाले लोग और उनको आपस में ही कॉम्पीट करना है, आपस में ही कम्पीट करके आगे बढ़ना है, तो आप लोगों को इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि आप लोग किसी भी तरीके से पीछे ना छूटे। तो मैंने ये एक सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने आपको सिर्फ बोल के बताया हुआ है, आपको इसको करके वहां पे दिखाना पड़ सकता है, डेमो के तरीके से बताना पड़ सकता है वो, तो मैंने तो आपको यहाँ पे बोल के बता दिया कि आप लोग कैसे कैसे करेंगे। इसी तरीके से जब वहां पे आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग अगर बोल के बता देंगे तो वो बोलेंगे कि ठीक है आपने बता तो दिया,
बहुत अच्छा बताया है। तो चलिए फिर आप एक डेमो देके बता दीजिए, तीनों अलग अलग सब्जेक्ट्स पे आप एक ही टॉपिक के बारे में कैसे बताएंगे। तो आपको इसी तरीके से एकदम फुल कॉन्फिडेंस में होके वहां पे हिंदी की एक स्टोरी के तरीके से बता देना है, इंग्लिश में भी एक स्टोरी के तरीके से बता देना है, और जब आप ईवीएस का टॉपिक वहां पे उठाएंगे डेमो देने के लिए तो आपको वहां पे ईवीएस के तरीके से बताना है। ये नहीं कि आप तीनों सब्जेक्ट्स में एक ही जैसे बता देंगे, फिर डिफरेंस क्या रह जाएगा, फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स कैसा, वो तो एक ही चीज हो गया। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना है, और जब भी आपको कोई टॉपिक बताना है तो आप सभी को पता है कि स्टोरी के तरीके से, एक गेम के तरीके से वहां पे आप अपने टॉपिक को निकलवाएंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। तो मैंने ये छोटी सी जानकारी आपको दी हुई है, और इससे रिलेटेड कई ढेर सारे टॉपिक आ सकते हैं, वाटर है, एयर है, सॉयल है, ताजमहल हो गया, या फिर ऐसे कई ढेर सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे ऐसे क्वेश्चंस आके वहां पे आपसे पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ 4-5 टॉपिक बता दिया तो इसी से क्वेश्चंस ऐसे बनेंगे, जी नहीं। आपको बस एक तरीका समझ लेना है कि आप कैसे किसी भी सब्जेक्ट में किस सब्जेक्ट को, कैसी टॉपिक को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। अगर आपको तरीका पता हुआ है तो आप लोग को चाहे कोई भी टॉपिक दी जाए आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, मैंने जो भी आपको बताने की समझाने की कोशिश की होगी वो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको समझ में आया, अच्छी लगी वीडियो, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।